अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में ट्रेन हवा से बात करेगी। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन अब भारत में दौड़ती दिखेगी। मोदी सरकार ने भारत में मैग्लेव ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत में मैग्लेव ट्रेन चलाने के लिए BHEL ने स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड AG के साथ करार किया है। BHEL अब शहरी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अपना कारोबार फैलाना चाहती है। मैग्लेव ट्रेन प्रोजेक्ट इस योजना का हिस्सा है। समझौते के मुताबिक दोनों कंपनियां एक दूसरे को बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगी। स्विस रैपिड AG को मैग्लेव रेल परियोजना में विशेषज्ञता हासिल है। दूसरी ओर BHEL पिछले 50 वर्षों से रेलवे के विकास में साझेदार है। BHEL रेलवे को इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव की सप्लाई करती है। देश की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो में भी BHEL का है इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा है। मैग्लेव ट्रेन भारत में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल कर रख देगी। मैग्लेव ट्रेन से घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। मैग्लेव ट्रेन को उड़ने वाली ट्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैग्लेव ट्रेन की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आप दिल्ली से लखनऊ की दूरी महज सवा घंटे में पूरी कर सकते हैं। मैग्लेव ट्रेन में मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें पट्टियां मौजूदा मोनोरेल की पट्टियों जैसी होती है, यानी मैग्लेव ट्रेन के ऊपर बिजली के तार नहीं होते और एक सपाट कंक्रीट स्लीपर के बीचों बीच चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण पैदा करने वाले चुंबक लगाए जाते हैं, जिनके चलते मैग्लेव ट्रेन पटरियों से कुछ मिलीमीटर ऊपर दौड़ती नहीं बल्कि तैरती नजर आती है। अब तक जो हाई स्पीड ट्रेन दुनिया में चल रही है उनकी रफ्तार तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास तक ही पहुंच पाती है। इसकी वजह यह है कि इनके चलने के दौरान काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है, जिससे रफ्तार कम होती है और गर्मी भी पैदा होती है। इससे शोर भी होता है और ऊर्जा बेकार भी जाती है। लेकिन मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक के चलते ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर उठकर चलती है। क्योंकि इस तकनीक के इस्तेमाल से चलाई जाने वाली ट्रेनों के चलने में फ्रिक्शन नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन जापान ने अपनी ट्रेन की रफ्तार 603 किलोमीटर तक पहुंचा दी है। मैग्लेव ट्रेन की एक और खासियत यह है कि इस पर बारिश का कोई असर नहीं होता है। मैग्लेव टेक्नोलॉजी से ट्रेन चलाने की शुरुआत चीन ने की थी। चीन ने साल 2004 में शंघाई शहर से एयरपोर्ट जाने वाली 30 किलोमीटर के रूट पर मैग्लेव ट्रेन चलाई थी और आज ये तकनीक पूरी दुनिया अपना रही है। फिलहाल दुनिया भर में मैग्लेव ट्रेन की तकनीक चुनिंदा देशों के पास ही है। ये देश है जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और USA। चीन में शंघाई शहर से शंघाई एयरपोर्ट के बीच मैग्लेव ट्रेन चलती है। दुनिया भर में कमर्शियल तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ 3 देशों, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में ही चल रही है।